आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक मूवी बनाते वक्त लगभग 60 क्रू मेंबर्स और कास्ट अचानक से ही बीमार पड़ गए? क्या ये टाइटैनिक का श्राप था या फिर किसी एक व्यक्ति की साजिश? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लिफ्ट में शीशे आखिर क्यों होते हैं? और ये कि हाल ही में मध्य प्रदेश में रहने वाले एक आदमी ने अपनी वाइफ को हूबहू ताजमहल जैसे घर बना के दिया, क्या नहीं जानते? तो आइए मेरे साथ अपने स्ट्रेस भरी लाइफ से कुछ समय निकाल कर चलते हैं एक अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग सफर पर। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में मनी हाइस्ट का लास्ट पार्ट आया था और नेटफ्लिक्स ने खुद ही ये अनाउंस किया है कि ये आखिरी पार्ट होगा, मतलब इसके बाद मनी हाइस्ट हमें देखने ही नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मनी हाइस्ट सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी स्टोरी आज भी जारी है। असल में दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने ये खुद ही कहा है कि मनी हाइस्ट की पॉपुलैरिटी देखते हुए कि 2023 में मनी हाइस्ट के कैरेक्टर बर्लिन के ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज आने वाली है। बर्लिन की पर्सनालिटी, उसके औरतों के प्रति सम्मान एंड एट द सेम टाइम अट्रैक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक फिल्म के शूटिंग के दौरान एक दिन अचानक से लगभग 50 से 60 क्रू मेंबर्स अचानक से बीमार पड़ गए? इनमें से कई लोगों को हेलुसिनेशन यानी कि दिमाग की बीमारी भी होने लगी, जिस वजह से इन्हें बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा। हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि एक साथ ही इतने सारे लोगों को बीमारी कैसे हो सकती है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तब पता चला कि किसी ने फिल्म के सेट पर मौजूद खाने में हेलोसियोजिक ड्रग्स को मिला दिया था। इसी वजह से जितने भी लोगों ने वहाँ का खाना खाया, वो सब बीमार पड़ गए और इनमें से ही किन्हीं लोगों को हेलुसिनेशन भी होने लगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लिफ्ट में शीशे आखिर क्यों लगाए जाते हैं? असल में दोस्तों, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने समय में लिफ्ट में मिरर नहीं होते थे, तब लोगों का ध्यान सिर्फ लिफ्ट के स्पीड पर होता था और इसी की वजह से इंजीनियर्स को काफी ज्यादा कंप्लेंट आती थी कि आपकी लिफ्ट बहुत ही ज्यादा स्लो है। इसके सॉल्यूशन के तौर पर पूरी लिफ्ट में ही शीशे लगा दिए ताकि लोग खुद को ही शीशे में देखते रहे और उनको एलिवेटर का यानी कि लिफ्ट के स्पीड का पता ही ना चले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या लगता है कि आपके पैर बड़े हैं? अगर आंसर हाँ होगा तो एक बार फिर से सोचिए। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा आदमी है जिसको बिगेस्ट फिट ऑफ का किताब मिला है और इन्हें जूते ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और ये मोरेको से बिलोंग करते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के 100 रुपए के नोट पर आखिर कौन सा चित्र है? वेल, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। असल में दोस्तों, 100 रुपए के नोट पर जो चित्र है उसे रानी की वाव कहते हैं। ये पटन गुजरात में स्थित है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बहुत बार हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को काफी ज्यादा महंगे गिफ्ट देते वक्त देखा ही होगा, जैसे कि कोई कार या फिर कोई रिंग। लेकिन आप ये बात सुनकर दंग रह जाएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के एक शख्स ने अपनी पत्नी को हूबहू ताजमहल जैसे दिखने वाले एक बंगलो को गिफ्ट कर दिया। असल में दोस्तों, ये भारतपुर के रहने वाले आनंद चौकसी की कहानी है, जिन्होंने अपनी वाइफ को कुछ इस तरीके से घर को बनाकर गिफ्ट कर दिया जो कि हूबहू ताजमहल जैसे दिखती है। अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस घर में लगभग 4 बेडरूम्स, एक किचन, एक लाइब्रेरी और उसके साथ ही साथ एक मेडिटेशन का रूम भी मौजूद है। उससे भी अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस घर को बनाने में लगभग 3 सालों की मेहनत लगी और यही चीज इस घर को काफी ज्यादा अमेजिंग बना देती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।